चिनाब घाटी में बड़े आतंकियों का होगा जल्द सफाया, हर अनहोनी के लिए हम हैं तैयार, बोले आईजी मुकेश सिंह। चिनाब घाटी में बचे हुए आतंकियों का जल्द सफाया किया जाएगा, चिनाब घाटी को फिर पूरी तरह से आतंक मुक्त किया जाएगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर संभाग शांत है और कुछ लोग शांति भंग करने की फिराक में जरूर बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से अलर्ट हैं और उनके किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आईजी जम्मू कश्मीर मुकेश सिंह ने ये बातें पुलिस के राष्ट्रीय स्मरण दिवस पर पत्रकारों से बातचीत में कही थी। आईजीपी ने सोमवार को पहले रेलवे स्टेशन पर वॉर मेमोरियल और उसके बाद गुलशन ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इसके साथ ही पुलिस के कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। सिंह ने कहा कि चिनाब घाटी में कुछ आतंकी बचे हुए हैं, इन पर सिक्योरिटी फोर्स की कड़ी नजर है, जल्द ही इन लोगों का काम तमाम किया जाएगा। इसके लिए काम करने वाले ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क पहले से ध्वस्त हो चुका है और आतंकी अब अकेले पड़ गए हैं। उनकी धरपकड़ जारी है, जो पकड़ा नहीं जाएगा वो मारा जाएगा। उल्लेखनीय है कि चिनाब घाटी में जहांगीर सरूरी नाम का एक पुराना आतंकी अभी भी जिंदा है। सरूरी ने चिनाब घाटी में दोबारा से आतंकवाद को जिंदा किया है। इसी के तैयार आतंकियों ने किश्तवाड़ जिले में भाजपा नेता और संघ नेता की हत्या भी की थी। हालांकि हत्या करने वाले तीन आतंकियों को पुलिस फिलहाल ढेर कर चुकी है।